अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद रब्बी ज़िदनी इल्मा औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बी इशरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हु क़ौली सदक रजीम। इट इज़ माई प्लेयर टू शेयर सम नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट नोन एज बिजनेस मैथ। मैं नाम सरताज। अल्हम्दुलिल्लाह बेटा, आज सेट ए हमारा मुकम्मल होने वाला है। तीन क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे, ठीक है जी। क्वेश्चन कौन से, अब्दुल्ला साहब की बुक है, आई कॉम पार्ट वन के स्टूडेंट्स हैं और चैप्टर नंबर 7 है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वेश्चन हमारे पास 7.14 या 8 से लेकर 7.50 तक, ये तीन क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। चलते हैं जी अपने क्वेश्चन की तरफ, जो मैंने यहाँ पर लिख चुका हूँ व्हाइट बोर्ड पे। 7.48 है, सॉल्व द कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, और ये कुछ हमें दी गई है इक्वेशन बनाने के लिए, उसको फिर हमने तरीके से करना है कि किस तरह हमने कंप्लीट स्क्वायर को हमने करना है, ठीक है जी। लेट्स स्टार्ट। आपके पास सबसे पहले सोल्यूशन अगेन क्वेश्चन, 9x² माइनस 24x इक्वल टू 65, ठीक हो गया। स्टेप नंबर वन ये है कि x जो हमने पहले इसको इक्वेशन बनाना है, इक्वल टू ज़ीरो करना है। तो क्या करेंगे, 9x² माइनस 24x, ये प्लस है तो माइनस 65 इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा, कोई इशू नहीं। जो x² के साथ कोफिशेंट होगा उसको सब के साथ डिवाइड करेंगे, क्योंकि एक्स के साथ जो कोफिशेंट है उसको हम रेज करना चाहते हैं, ठीक है। तो क्या स्टेटमेंट लिखेंगे, डिवीजन बाय या डिवाइडेड बाय 9 बोथ साइड। क्लियर जी, क्या होगा, 9x² माइनस 24x माइनस 65 ज़ीरो, इधर भी 9, इधर भी 9, इधर भी 9 और इधर भी 9, ये 9 9 से 8, x² माइनस, सिंप्लीफाई करेंगे तो 8x इंटू 3, ये किसी से कटिंग नहीं होगा, ये 8 59 एंड 9 इक्वल टू 0, हमारे पास क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। अब इस जो क्वेश्चन के बगैर वैल्यू है इसको इक्वल से इधर कर लेंगे। स्टेप नंबर टू, x² माइनस 8 इंटू 3 एक्स इक्वल टू 65 एंड 9, कोई इशू नहीं, दो स्टेप हो गए। तो इस स्टेप के अंदर जो एक्स जो है इसका जो कोफिशेंट है, ठीक है, इसका होल स्केयर लेंगे और उस होल स्केयर को एडिंग बाय बोथ साइड करेंगे, ठीक है बेटा। और इसका हम क्या लिखेंगे, कोफिशेंट ऑफ, अगर स्टेटमेंट लिखूं, को ऑफिशेंट ऑफ एक्स इज क्या होगा, 8/3। जो एक्स है उसका जो कोफिशेंट है बेटा वो क्या है, -8/3, ठीक है जी। अब हाफ ऑफ कोफिशेंट ऑफ एक्स, हाफ ऑफ को ऑफिशेंट इज क्वेश्चन, एक्स इज -8/3 स्क्वायर ऑफ कोफिशेंट, ठीक है जी। हम स्क्वायर लेंगे कोफिशेंट का कैसे, -8/3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 64 इंटू 9, ठीक है जी। 64 इंटू 9 हमारे पास आएगा, यहाँ पे हमारे वैल्यू कितनी है, ठीक है जी, ये हमने किस पे रेज किया, 339, ठीक हो गया, यहाँ तक हमारे पास ये आंसर आ गया, ठीक है, ओके जी, यहाँ तक वैल्यू, ठीक है। इससे आगे हम मूव करेंगे जी का होल स्क्वायर। अब देखें हमारे पास सिंप्लीफाई करके जो आंसर आएगा, अब यहाँ पर अगर मैं थोड़ा सा आपको ये बता दें कि ये क्या हुआ, देखें मैं थोड़ा ब्रीफ भी कर दूं इधर, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हम लिखेंगे वैल्यू हमारे पास -8 इंटू 3, ठीक है, हमने कहा इसका होल स्क्वायर, हाफ का होल स्क्वायर, ठीक है, थोड़ा ब्रीफ कर दूँ इसको। अब सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा,
माइनस एट इन टू सिक्स का होल स्क्वायर। अगर ऐड करेंगे तो क्या करेंगे, 64 इन टू 36 का होल स्क्वायर। उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ आ गई एडिंग बाय एडिंग बोथ साइड। ठीक है, इसके और तरीके भी हैं, इस तरह भी आप सॉल्व कर सकते हैं इसको। बहरहाल यहाँ तक लिए किसके और तरीके हैं इसके, कि हम इसको सिंपलीफाई कर देते हैं 4 को 8 से डिवाइड करके ना 4/3 उसका और स्क्वायर लगा के फिर भी हम कर सकते हैं। बहरहाल इस तरह भी आप कर सकते हैं। अब आगे हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 8 3x, एडिंग करनी है ये वैल्यू, तो यहाँ पर ऐड करेंगे 64 इन टू 36 इक्वल है 659 प्लस 64 इन टू 36। ठीक है जी, अब ये क्वेश्चन को हम क्लोज करेंगे फार्मूले को, ये होगा हमारे पास कितना 8 एंड 6 का होल स्क्वायर इक्वल है माइनस 8/3 और एक्स। फार्मूला क्लोज करेंगे एक्स माइनस 8 6 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से माइनस का हम लिखेंगे। अब इसका एलसीएम ले लेते हैं जी, इसके एलसीएम हम लें तो हमारे पास 36 एलसीएम है, 9 4 36 है जी, और 65 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 22 कैरी एंड 26 260 प्लस 64 एलसीएम आपको लेना आता ही होगा, लेवल बड़ा आपका, इक्वल टू ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास 36 ये होगा 4 12 1 कैरी एंड 326 हमारे पास क्या आ जाएगा इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, अब इसका होल्स के 326। ठीक है जी, अब इसको सिंपलीफाई कर लेते हैं हम यहाँ तक, इसका होल्स क्या ले लेते हैं हम आर टेकिंग होल स्क्वायर। ठीक है जी, यहाँ टेकिंग स्क्वायर अंडर रूट एक्स माइनस 8/6 का होल स्क्वायर इनटू 32 4 एंड 36 का होल स्क्वायर। एक्स माइनस 8/6 इक्वल है प्लस माइनस 18 एंड 6, ये हमारा क्या आ जाएगा इसका होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है बेटे, यहाँ तक उम्मीद है आपको अंडरस्टैंड हो गया। फिर एक तो प्लस के अंदर एक तो माइनस के अंदर कैसे, एक्स माइनस 8/6 इक्वल टू 18/6, एक्स माइनस 8/6 माइनस 18/6, एक्स इक्वल टू 18/6 प्लस 8/6, एक्स इक्वल टू 6 18 प्लस 8 एक्स इक्वल टू 6, ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास 26, एक्स इक्वल टू माइनस 18/6 प्लस 8/6, एक्स इक्वल टू 6 माइनस 18 प्लस 8 एक्स इक्वल टू माइनस 10 इंटू बाई 6, आंसर आएगा 3 1 एंड 3, और इसका आंसर आएगा एक्स इक्वल टू माइनस 5 इंटू 2 हमारे पास आंसर आ जाएगा। उम्मीद है बेटा यहाँ तक अल्हम्दुलिल्लाह आपने अंडरस्टैंड कर लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चांसेस हो सकते हैं जी गलत होने के, मगर फिर भी आप देखिएगा कोशिश पूरी है कि माशाल्लाह ये हमारा यहाँ तक क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। ठीक है जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्योंकि जो मेरे पास क्वेश्चन है उसमें ना ये क्वेश्चन थोड़ा सा मीठा हुआ है। ठीक है, जिसकी वजह से आप इसमें देख लीजिएगा कोई आपको प्रॉब्लम ना हो। बहरहाल कोशिश पूरी है कि ये आंसर हमारा बिल्कुल एक्यूरेट ठीक है रूल के मुताबिक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, अगेन क्वेश्चन लिखता हूँ, एक्स इक्वल 2/3 माइनस 2x, क्योंकि मेरे पास बुक नहीं है, मेरे पास नोट्स हैं, नोट्स से मुराद है कि मेरे पास जस्ट क्वेश्चन हैं। ठीक है, हमने फोटोकॉपी की हुई थी तो उसके मुताबिक मेरे पास वही नोट्स पड़े हुए थे, तो मैं उसी से क्वेश्चन देख के लिख रहा हूँ, आंसर नहीं लिखे हुए इसके ऊपर। यहाँ तक हमारे पास क्वेश्चन है बेटा, अब देखो हमने इसमें से उसने कहा सॉल्व करें फ्रॉम ये वैल्यू। ठीक है, हम इसको हल करके हमने एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं जी। ठीक है जी, सॉल्व एक्स लिखा हुआ है यहाँ पे, सॉल्व ऑफ एक्स। ओके जी,
अब यहाँ पे सोल्व एक्स है तो हमने क्या करना है, ये क्वेश्चन है, हमने पहले कंप्यूटर स्क्वायर के मुताबिक किया, हमने एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अगर हम यूँ लिख दें इसको, एक्स स्क्वायर 1/3, कोई इश्यू नहीं है, कैसे 2 × 1/3 लिख दें तो फिर भी 2/3 आंसर आएगा, जैसे कि ये लिखा हुआ है। क्लियर। अब आगे −2x 1/3 −8 = 0। अब ये हमारे पास क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर है, ये एक्स के बगैर वैल्यू अगर हम इसको कंसीडर कर लें, इसको बाहर लेके अगर हम ये कर लें इसको कि एक्स को बाहर लेके 1/3 इस तरह ब्रैकेट के बाहर इसका पावर लिख लें, फिर इसका मतलब ये हुआ कि एक्स स्क्वायर और एक्स है। तो मैथ के अंदर मैंने आपको शेर एक सुनाया था लास्ट टाइम भी कि मैथ के असूलों से सीखा हमने, जो चीज़ नामुमकिन हो उसे फर्ज कर लिया जाए। हम करेंगे लेट्स पोज एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई, ठीक है जी, वाई स्क्वायर, क्या लिखा हमने, जो एक्स स्क्वायर है वो किसके बराबर है, वाई स्क्वायर। अगर ये लिख दूँ तो मज़ीद क्लियर हो जाएगा, 2/3 = x² उम्मीद है अब यहाँ पे आपको ज़्यादा अंडरस्टैंड हुई होगी बात, ठीक है जी, कोई इशू। मज़ीद अगर मैं इसको बेहतर की तरफ लेके जाऊँ तो अगर मैं यूँ लिख दूँ, क्योंकि देखो एक्स स्क्वायर तो हमारे पास है, अब 1/3 1/3 दोनों कॉमन है, तो मैं यहाँ लिख दूँ एक्स इक्वल 1/3 लिख दूँ, फिर तो आपको यकीन समझ आ गई होगी, क्योंकि पहले एक्स स्क्वायर था, या अगर एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पे एक्स है, तो फिर वो बात आपको समझ ना आए। तो अगर ये दोनों की पावर सेम है तो मैंने उसको वाई के बराबर कर दिया, अब आपको समझ आ गई होगी, ठीक हो गया, ओके जी, ये हमने लेट्स सपोज कर दिया। अब यहाँ पर क्या है जी, हमारे पास इसकी पावर तो 1/3 है ना, तो यहाँ पर लिख देंगे वाई, और वाई के ऊपर एक्स के ऊपर क्या स्क्वायर, यहाँ पर स्क्वायर −2, यहाँ पे x है तो x की x आ जाएगा, और यहाँ पे 1/3 की वैल्यू के x है, −8 × 0। अगेन ज़रा देख ले बेटे, हमने क्या किया, एक्स स्क्वायर है ना, उसकी जो पावर है 1/3 है, यहाँ x है तो उसकी पावर 1/3, उसको जो x है 1/3 उसकी हमने इक्वल किसी का बराबर कर दिए, y को सिंप्लीफाई करने के लिए, तो ये हमने इस तरह लिख दिया। अब इसको पे आप फैक्टर्स बना लें, लेक्चर मौजूद है फैक्टर्स पे मेरा, तो फैक्टर्स कैसे बनाते हैं कि इधर का कोफिशन इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 1/8 के साथ, 1 × 8 = 8, इसका एलसीएम ले लें, 2 × 4 = 8, 2 × 2 = 2 और 2 × 1 = 1। तो यहाँ पर हमें क्या चाहिए, यहाँ पे हमें 2 चाहिए, ठीक है जी, या हमें क्या चाहिए, 2 चाहिए, ठीक है जी। अब 2 लेके आने के लिए हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे जी, क्या करें इसको, यानी कि मल्टीप्लाई करें, आपके पास 8 है प्लस माइनस के, आपके पास क्या है 2 है, तो यहाँ पे 2 × 2 = 4, 4 − 2 = 2, हमारा ये पेयर बन जाता है, क्या पेयर बनेगा, वाई स्क्वायर −8, यहाँ पे होगा 4y + 2y, क्लियर, माइनस प्लस करें तो यही आंसर आता है, मल्टीप्लाई का 4 × 2 = 8 यही आता है, =0। अब 2 का पेयर बनेगा वाई स्क्वायर −4y + 2y − 8 =0, y (y − 4) + 2 (y − 4) = 0, दोनों सेम है, 1 × (4)y + 2 = 0, इक्वल के बराबर इक्वल टू 0 कर लेते हैं दोनों को, 4 = y (y = 2) + 2 = 0, y = 4 और y = −2। अब आपके पास क्या है, एक्स वाई की वैल्यू आ गई, आपने एक्स फाइंड करना है, तो एक्स फाइंड करने के लिए आप क्या करोगे, ये आपके पास इक्वेशन 1 लिख लें आप, इक्वेशन फर्स्ट क्या जी, x 1/3 = y, एक बात, और यहाँ पे लिखा हुआ जी x 1/3 = y बेटे। अब y की एक वैल्यू है 4, तो लिखेंगे क्या, 4³ = y आपके पास आ जाएगा, ठीक है जी, और इधर क्या है जी, सॉरी ये x है, यहाँ पे आना था x 1/3 और ये कितना है 4, और यहाँ पे क्या है x 1/3 और यहाँ पे कितना है −2, ठीक है। अब देखें ये इसकी जो बेस है, पावर है 1/3 है, तो आप क्या करोगे, टेकिंग क्यूब बोथ साइड, टेकिंग क्यूब बी एस
एक्स ये 1/3 फोर एन थ्री एक्स थ्री 1/3 इक्वल टू माइनस टू का ये क्यूब ये काट के एक्स इक्वल टू 64 और ये हो जाएगा एक्स इक्वल टू माइनस एट। ये हमारा आंसर क्या आ गया, एक्स की वैल्यू आपके पास आ गई 64, बल्कि इसको ऐसे लिख दूं 64 फोर ब्रैकेट माइनस एट एंड माइनस टू। उम्मीद है बेटा यहाँ तक अंडरस्टैंड होगी। इसी पैटर्न पे एक और क्वेश्चन है उसको डिस्कस कर लेते हैं, सेम क्वेश्चन है सेम पैटर्न पे इंशाल्लाह ये क्वेश्चन होगा नेक्स्ट। इसको रिमूव कर लेते हैं, इसको रिमूव कर लेते हैं, आपने इसको नोट डाउन कर लिया होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, सेट ए का लास्ट 3 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। ये लें जी, इसको हम बना लेते हैं जी। क्वेश्चन नंबर हमारा बनता है, क्वेश्चन हमारे पास है 7.49, ठीक है जी। अब इसके अंदर हमारे पास लिखा सॉल्व द क्वेश्चन, सॉल्व द इक्वेशन, आपने इक्वेशन सॉल्व करनी है जी। सॉल्व द इक्वेशन 3x² माइनस 10.3x 3 2x, ठीक है जी, प्लस 9। अब यहाँ पे ये लिखा हुआ है 3 2x, क्या जी 3 2x माइनस 10.x 3x प्लस एंड 9 है मेरे पास ये क्वेश्चन जी। इसके मुताबिक हमने सॉल्व करना है जी बेटे जी, यहाँ तक जी क्वेश्चन हमारे पास, ठीक है। अब देखो पहले हमने क्वेश्चन के अंदर यहाँ पर क्या एक्स स्केयर लेके आए थे, यहाँ पर एक्स स्केयर वाली वैल्यू हमें नज़र नहीं आ रही, कैसे देखें ज़रा। अगर ये हम लिख दें 3x ब्रैकेट में स्केयर लगा लें, क्लियर, क्योंकि हमने इक्वेशन के अंदर एक्स स्केयर वाले लेना है, एक्स वाले और एक्स के बगैर वाली वैल्यू माइनस 10 पॉइंट है तो एक्स मल्टी ब्रैकेट भी वही चीज़ है और यहाँ पर एक्स प्लस 9 इक्वल टू 0 आपके पास आ गया, ठीक है। वही हमने लेट्स सपोज करना है, लेट्स सपोज कि 3x जो है वो अब किसके बराबर है, y के बराबर है, ठीक है। इसको अगर ये नहीं करते क्योंकि ये सेम ही बन गया, तो इसको ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है जी। 3x जो है वो किसके बराबर है, आपके पास y के बराबर, ठीक है, ये लेट्स सपोज हो गया। अब ये y है उसके ऊपर स्केयर क्या है 2, माइनस 10 है तो वो y के बराबर, प्लस 9 इक्वल टू 0। वही हमने फैक्टर बनाने हैं, इसके कोएफिशिएंट को इससे मल्टीप्लाई करना, 9 आएगा, फिर इसका एलसीएम ले लेना है। अगर इसको 1 मल्टीप्लाई 9 इक्वल टू बेटा 9 है तो 9 का एलसीएम लेंगे 3 3 एंड 3, ये ऐड करें तो 9 बनता है, यहाँ 10 चाहिए, हम 10 वंस आर, अगर 9 वंस आर 9 लें, ठीक है, 9 वंस आर 9 लें तो ऐड करें, यानी कैसे 9 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू 9, 9 प्लस 1 इक्वल टू 10, तो हमें यहाँ पे 10 चाहिए, वो भी हमारा बन जाता है, ठीक है जी। अब क्या करेंगे जी, y माइनस 9y, ठीक है, माइनस y प्लस 9, यहाँ तक आपको अंडरस्टैंड हो गया। 9 वंस आर 9 भी आ रहा है आपका पॉजिटिव में और ये ऐड भी हो रहा है, ओके जी। अब y कॉमन ले लेंगे, चलें इस तरीके से कर लेते हैं जैसे पहले किया था। अब y माइनस 9 इक्वल टू 0, यहाँ बाहर माइनस अंदर वाली साइन चेंज, अब दोनों में कॉमन दे लेते हैं, इसमें कॉमन है क्या, y है y माइनस 9, यहाँ पे कॉमन कुछ नहीं है तो 1 कॉमन y माइनस 9 इक्वल टू 0, दोनों बेटा सेम है, y माइनस 9 y माइनस 1 इक्वल टू 0, y माइनस 9 इक्वल टू 0, y माइनस 1 इक्वल टू 1, y इक्वल टू 9 और y इक्वल टू 1, ये बस किसके आंसर आ गया y के। अब आपने क्या निकालना है, फाइंड x की वैल्यू, इसी तरीके से करेंगे जैसे हमने ये किया। क्या लेंगे, इसको इक्वेशन 1 कर लें, इक्वेशन फर्स्ट क्या लिखा हुआ जी, 3x इक्वल टू y
थ्री एक्स इक्वल टू वाई, थ्री एक्स इक्वल टू नाइन, थ्री एक्स इक्वल टू वन। ठीक है जी, इसको यहाँ ऊपर कर लेते हैं जी। देखें जी, इसको अगेन मैं लिखूँ अगर वाइट बोर्ड पे आपके सामने, आपको अंडरस्टैंड हो जाए कि थ्री एक्स इक्वल टू नाइन, ठीक है, और इधर लिखूँ थ्री एक्स इक्वल टू वन। उम्मीद है यहाँ तक आपको अंडरस्टैंड हो गया। अब देखें, अगर इसको मैं यूँ लिख दूँ थ्री एक्स इक्वल टू थ्री की पावर टू, एलसीएम लेते हैं तो क्या बनता है, थ्री और थ्री, थ्री की पावर टू लिख सकता हूँ। दोनों का बेस सेम है तो उसको रेज करके एक्स इक्वल टू टू लिख दूँ, अलहमदा कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। अब यहाँ पर लिखा हुआ थ्री एक्स, अगर इसको लिख दूँ थ्री की पावर ज़ीरो, पहले भी आपने पढ़ा हो छोटी क्लासेस के अंदर कि एक्स के ऊपर क्या ज़ीरो हो पावर वन तो वन के बराबर है, अगर थाउजेंड भी है उसके ऊपर पावर ज़ीरो भी है वो भी क्या होता है वन के बराबर। ये आपने पढ़ चुके हैं छोटी क्लासेज में। अगर इसमें लिख दूँ फिर भी कोई इशू नहीं, एक्स इससे काट गया तो एक्स इक्वल टू ज़ीरो आपके पास आंसर आ जाएगा। तो आपको कैसे शो करेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है जी एक्स है टू और यहाँ पे वाई लिखा हुआ है नाइन, फिर लिखा ज़ीरो एंड वन, ये आपके पास किसका आंसर आ गया, लास्ट क्वेश्चन है 9.49। उम्मीद है बेटा आपने अंडरस्टैंड किया होगा। आज हम सेट ए अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हो गया, इंशाल्लाह फिर हम सेट बी की तरफ मूव करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर। अल्लाह हाफिज़।